कृषि कानूनों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच से पहले पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसान यूनियन से जुड़े नेताओं को करनाल जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद किसान नेता हरियाणा के रादौर पहुंचे, जहां भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर व बिलासपुर अध्यक्ष सुखदेव सिंह का किसानों ने फूलमाला डालकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जहां किसानों ने भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे भी लगाए, वहीं सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस मौके पर जमानत पर रिहा होकर आए भाकियू जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि सरकार डरा कर किसानों की आवाज को दबाना चाह रही है, लेकिन इसके बावजूद किसान तीन काले कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन चलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र के किसानों के साथ दिल्ली आंदोलन में शामिल होने जाएंगे। वही सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों की हितैषी बनने का नाटक करती है, जबकि शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष जाहिर कर रहे किसानों पर जुल्म ढा रही है, जिसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। रादौर से संवाददाता कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। क्या है 23 तारीख की रात को हमने घर से हमारे को घर से ऐसे उठाया गया पुलिस ने, जैसे कोई हम क्रिमिनल हो। किसान हम किसानों की आवाज़ को उठाना चाहते थे। 26 तारीख को हमें दिल्ली कूच के लिए जाना था और 23 तारीख की रात को 1:30 बजे ऐसे उठाया गया कि जैसे हम क्रिमिनल किसान हो, और हमारे ज़िले से 10 किसानों को उठाया गया और 5 दिन बाद और रात को 10-11 बजे हमारे को 23 तारीख को जेल करनाल में डाला गया, और हमारे 10 किसान आज भी वहाँ हैं। सिर्फ 2 किसानों को जमानत मिली है और आज 5 दिन बाद हम यहाँ पर आए, और कल हमारा एक जत्था दिल्ली जाएगा। जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और हमारे जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, पूरे देश के रतन मान जी, और वो सारे नेता वहाँ पहुँच गए हैं। मैं तो जितने भी हमारे संगठन हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन वहीं दिल्ली में जारी रहेगा। और जो हरियाणा में यह गठबंधन की सरकार है और ये जो चौधरी देवीलाल के सपने को साकार करना चाहते हैं, देवीलाल के नाम पर राजनीति करते हैं, हमारे जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, अगर ये किसानों के हितैषी हैं, किसान देवीलाल का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो इन्हें कल त्याग पत्र देकर दिल्ली के रोहिणी ग्राउंड में जहाँ किसान अपना धरना लिए बैठे हैं वहाँ पर शामिल होना चाहिए, जब ये किसान और देवीलाल के सपने को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.